विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। आज देश में मनाया जा रहा है छोटी होली का त्योहार। शाम 5 बजे के बाद होगा होलिका दहन। 8 मार्च को खेला जाएगा रंगों का त्योहार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट किया पेश। बजट में युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का किया ऐलान। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म, आज कोर्ट में हुई पेशी। सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए भेजा गया तिहाड़ जेल। मनीष सिसोदिया को लेकर सियासत तेज। गिरफ्तारी के बाद आज भी बीजेपी और कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राजधानी की सड़कों पर बोलेंगे हल्ला। आज सामान्य गर्भावस्था पर सुनवाई, आज शाम 4 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट से महिला ने मांगी अबॉर्शन की अनुमति। फिर बड़ी लालू यादव की मुसीबत, अब सीबीआई ने लालू यादव को भेजा समन। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में आज होगी पूछताछ। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पहुंची सीबीआई। भर्ती के बदले जमीन मामले में सीबीआई कर रही है पूछताछ। आरजेडी समर्थकों ने मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले विपक्ष को काम नहीं करने दिया जा रहा। लंदन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले मैं यहां बोल सकता हूं पर संसद में चीन का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं। उमेश पाल मर्डर केस में 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर। उमेश पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान ढेर। एडीजी बोले अपराधी कितना भी रसूख वाला हो बख्शा नहीं जाएगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पीएम मोदी से अपील, कहा जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर लिखे गए पत्र पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आश्रम फ्लाईओवर का किया उद्घाटन, आम जनता के लिए आज शाम से शुरू हो जाएगा आश्रम फ्लाईओवर। अमेठी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले अमेठी में हमेशा वीआईपी जीते हारे हैं, यहां की गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन दुखी हो गया। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट से हुए बाहर। कमिंस की मां की तबीयत खराब होने की वजह से लिया फैसला, स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी। पठान से पिछड़ने पर बाहुबली 2 के मेकर्स ने किया रिएक्ट, बोले रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही लेकिन खुशी है कि शाहरुख खान की फिल्म ने ये कारनामा किया।